हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप सारे बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, है ना, और अपनी अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं, मस्त है। फ्रेंड्स, मुझे एक एंजल्स का मैसेज आया जो मुझे आपको कन्वे करना है, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग, जिस किसी के भी साथ ये रेजोनेट होने वाली है रीडिंग, आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि 1111, 2121, 1414, 1313, ठीक है, 144, 133, 333, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं, उन्होंने आपको सराउंड कर रखा है, ठीक है, और वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ मैसेजेस वो आपको कन्वे करना चाह रहे हैं। आपको उस मैसेज को, उस नंबर को टाइप करके एक बार उसके बारे में जानना है कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आपके लिए आ रहा है, जो एंजल्स मुझसे कह रहे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके अराउंड एंजल्स हैं, ठीक है। एक डाउनलोड और मुझे आ रहा था, बहुत सारे लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप में से कई लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पोर्शंस में आपके साथ ये रेजोनेट हो, कहीं कहीं पर आपके लिए मैसेजेस आए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव है। तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी चैनलाइज हो रही होती है, राइट। तो पॉसिबल है कि पूरी रीडिंग आपकी हो, मैं हो सकता है आपकी ये एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, और ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ पोर्शंस में आपके लिए मैसेजेस आ रहे हों। तो बहुत ध्यान से इस रीडिंग को सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा कहाँ पर आपके लिए प्रोमिनेंट मैसेज आ रहे हैं, है ना। आपके लिए जो डाउनलोड आ रहा था, जो एंजल्स ने मुझे बताया है, वो कुछ इस तरह से है कि जब आप शांत बैठे हो ना, जब भी आप शांत होते हो, या आपके बारे में पता नहीं होता लोगों को कि चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, है ना, जब आपके बारे में पता ना चले ना कि आप क्या कर रहे हो, तो आपके जो हेटर्स हैं ना, जो आपके एनिमीज़ हैं, हेटर्स हैं, जो खुद को आपका एनिमी मानते हैं, आपको अपना एनिमी मानते हैं, ऐसे लोगों को और ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आप प्रिपेयर हो रहे होते हो अपने कमबैक के लिए, ठीक है। आप और ज़्यादा एम्पावर्ड हो के कमबैक करते हो, और जब भी आपका कमबैक होता है, इट्स लाइक अ स्लैप ऑन योर एनिमीज फेस। एवरी टाइम जब वो लोग ये सोचते हैं कि अब आपकी कहानी ख़त्म, अब आपका दी एंड हो गया, ठीक है, और आपका जब कमबैक होता है, ठीक है, तो इट्स लाइक अ स्लैप ऑन योर एनिमीज बिलीफ, है ना। आपके जो एनिमीज, आपके जो शत्रु हैं, उनका जो बिलीफ है, उनकी जो नकारात्मक सोच है आपके प्रति, आपके हर चीज़ के प्रति, ठीक है, उस पर तमाचा होता है वो आपका कमबैक, क्योंकि आप और ज़्यादा पावरफुल होके अपना कमबैक करते हो, ठीक है। आप अनबीटेबल हो, और ये चीज़ देख करके वो लोग अचंभित हैं कि उन्होंने क्या कुछ नहीं ट्राई कर लिया आपको गिराने में, बट कुछ भी वर्क नहीं कर पा रहा है आपको, आपके आपको तोड़ने में वो पूरी तरह से असफल है, और असफल ही होते रहेंगे, बल्कि आप और ज़्यादा पावरफुल होकर उभरते जाएंगे, ठीक है। एंड इसी से जुड़ी हुई हमारी आज की रीडिंग है, ठीक है। आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, आप कितने ज़्यादा करेजियस हैं, आपकी जो रेजिलियंस पावर है, रेजिलियंस मतलब टिके रहने की, यू नो, आप और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, आपके अंदर जो
सहन शक्ति होती है ना, और एक वापस से एक भिड़ जाने की, यू नो, वापस से जूझने की, वापस से चीज़ों से टकराने की जो आपके अंदर क्षमता है ना, वो अतुलनीय है। ये आपको एंजल्स बता रहे हैं, और एंजल्स और डिवाइन को बहुत ज़्यादा प्राउड है आप पर, ठीक है? सो कीप अप द गुड वर्क गाइज, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप सक्सीडिंग, ठीक है? एंड कीप स्लैपिंग ऑन द फेस ऑफ योर एनिमीज एंड हेटर्स विद योर सक्सेस, ठीक है? अपने हेटर्स और अपने एनिमीज के जो उनके मन में गंदे सोच और गंदी भावना पलती है ना, उसको तमाचे लगाते रहिए अपने सक्सेस से, ठीक है? आपके हेटर्स और एनिमीज, मैं देख रही हूँ कि वो पिस्ड ऑफ हैं, ठीक है? वो लोग परेशान हैं। जब जब वो आपकी सक्सेस को देखते हैं ना, उनके अंदर, मेरा पेट डायलॉग है, उनको मौत आती है वो मरने को हो जाते हैं, ठीक है? सो ठीक है, उनको उनके हाल पर छोड़िए। और अगर वो लोग इसी तरह से आपसे ईर्ष्या करते रहेंगे ना, तो वो और ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच जाएंगे, बिकॉज ईश्वर के बच्चे से टकराने की क्षमता किसी में नहीं है, ठीक है? तो देखिए आज टैरोस आपके लिए क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं इसको रैंडमली लेने वाली हूँ टैरोस को, ठीक है? देखते हैं रैंडमली क्या बॉटम ऑफ डेक एनर्जी क्या आती है, किस चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी देना चाहते हैं एंजल्स। ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ यहाँ पे। ओके, द एम्प्रेस रिवर्स। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ये उल्टे कार्ड क्यों दिखाते हो, ठीक है? तो मैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि टैरो में रिवर्स कार्ड्स की रीडिंग भी करी जाती है, ठीक है? जब आप सीधा कार्ड पढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब, उसकी मीनिंग अलग होती है, और अगर आपका कार्ड उल्टा निकला है तो उसका अर्थ, उसका मीनिंग अलग होता है। अगर आपका कार्ड रिवर्स में आया तो उसकी रीडिंग आपको रिवर्स में ही करनी है, रिवर्स पोजिशन में ही आप उसका अर्थ समझोगे, ठीक है? बॉटम ऑफ डेक एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यही मैं बोल रही हूँ, यही देखकर आपके हेटर्स और एनिमीज को ना मौत आ रही है, मरने को हो रहे हैं। वो आपको इस पोजीशन में चाहते हैं, व्हाट नॉट, उन लोगों ने ट्राई कर लिया, ठीक है? वो चाहते हैं कि आपकी पोजीशन ईश्वर ने जो निर्धारित करी है वो ये है। अगर आप मेल हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एम्परर हो सकते हैं, ठीक है? बॉस हो सकते हैं, बहुत बड़ी अथॉरिटी हो सकती है आपके पास। और अगर आप फीमेल हैं, ये वीडियो देख रही हैं, तो आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत करेजियस हैं, ठीक है? बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अथॉरिटेटिव बॉस हैं आप, ठीक है? अपनी लाइफ में हो सकता है आप किसी बड़े ओहदे पर हों, अपने करियर में आप काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे हों, ठीक है? आप एम्प्रेस हैं, बट क्योंकि ये कार्ड इस पोजीशन में फ्लिप हुआ, ठीक है, तो हम इसको इसी पोजीशन में रीड करेंगे। ये एनर्जी आपके हेटर्स की दर्शा रहा है। आपके हेटर्स चाहते हैं कि आपको इस बॉस वाली पोजीशन से हटा दिया जाए। वो लोग आपको इस बॉस वाली पोजीशन में नहीं देखना चाहते, ठीक है? अबंडेंट नहीं देखना चाहते। जो कुछ भी आपके पास है, जिस भी रूप से आप जीवन में संपन्न है ना, आपको संपन्न नहीं देखना चाहते हैं वो लोग। ये सत्य है, दिस इज ट्रूथ, ठीक है? और या ये वही लोग हैं जो आपके दिमाग में अभी इस वक्त आ रहे हैं, ठीक है? ये वही लोग हैं, ये या कम्युनिकेशन, ये मूवमेंट, योर सक्सेस, यू नो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के को क्लैरिफाई करता हुआ आया है एट ऑफ वॉन्स क्लैरिफाई करते हुए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून को। सो इट मीन्स, यस,
आप तक बहुत ज़्यादा स्पीड में सक्सेस आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड में सक्सीड कर रहे हैं, टाइम इज टोटली इन योर फेवर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किंग हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टार, जो कोई भी ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, हो सकता है आप अपनी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हों, तो पॉसिबल है कि आपकी सारी विश फुलफिल होने वाली है, आपके आपके लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है, ठीक है। या इन लोगों की सोच दर्शा रहा है ये सब कुछ। सी, अन्याय, अन्याय करना, आपकी लाइफ में मूवमेंट्स को रोकना, ब्लॉक करना, आपको एम्प्रेस एनर्जी से दूर करना या एम्परर एनर्जी से दूर करना, बट ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। सेलिब्रेशंस मंजूर हैं आपकी लाइफ में, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। सी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो हेटर एंड एनिमीज की जो लिस्ट है ना, उसमें जब भी मैंने एनिमीज और हेटर्स की रीडिंग करी है, उसमें ये कार्ड जरूर आया है। इसका रिवर्स में आना मतलब वो डिफीटेड हैं, ये जो कोई भी हेटर और एनिमी है ना, ये डिफीटेड है, ये हार चुका है, हारा हुआ है आपसे, ठीक है। या ओके, आपने दूरी मेंटेन करी उन लोगों से, ठीक है, जो कि ईश्वर को काफ़ी पसंद आया और यही देखकर ईश्वर ने आपको इस पोजीशन पे रखा है। गिविंग एनर्जी में आप पहुंच चुके हैं, आप अथॉरिटी फिगर हैं, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको राशियां बता देती हूँ, कौन कौन सी राशियां यहाँ पे आ रही हैं, तो आपकी जो भी राशि है या जिस हिसाब से भी आपसे ये टैली होता है या आपके जो हेटर्स हैं उनकी क्या राशि है, उससे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, जेमिनाई, मिथुन राशि, लिब्रा, तुला राशि, अक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृष राशि, वर्गो, कन्या राशि, मकर राशि, केप्रिकॉन, धनु राशि भी है यहाँ पे, धनु राशि भी है, कर्क राशि भी है, ठीक है। तो ये राशियाँ हैं यहाँ पे, या तो ये सारी चीज़ें वो लोग सोचते हैं आपके लिए, ये आपको एंजल्स कन्वे कर रहे हैं, बट आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, आप आपकी जो डेस्टिनी है ना, आपकी जो सक्सेस है, वो काफ़ी स्पीड में आ रही है आपके पास, बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है आपके पास आपकी सक्सेस, एंड यू आर सून गोइंग टू सेलिब्रेट योर सक्सेस, आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने देखा है कि आपके साथ क्या क्या अन्याय किया गया है ना, आपको आगे बढ़ने से रोका गया है, आपकी सक्सेस को ब्लॉक किया गया है अपनी गंदे ईवल इंटेंशंस की वजह से, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी गई है। जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आया है, आपके साथ अन्याय किया गया है, ठीक है, ये कुछ गंदे विचार अपने डाल के ना, अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन, लोगों ने आपके लिए ईविल चीज़ें सोची हैं, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें उन लोगों को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप शांत हो ना, तो आप और ज़्यादा पावरफुल कमबैक के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो इसमें आपके हेटर्स को, आपके शत्रुओं को डरने की ज़रूरत है, आपको नहीं, ठीक है। इससे पहले मैं रीडिंग को आगे बढ़ाऊं, मैं एक बार आप सबके ऑरा को क्लेंजिंग दे देती हूँ, आप सबके आभा मंडल को क्लीन करना चाहूँगी, ठीक है। आपके जीवन से जो भी नकारात्मकता है ना, वो वापस वहीं चली जाए जहाँ से वो आई थी, ठीक है, उसको बांध कर
पूरी तरह से डिवाइन स्पिरिट, माय डियर डिवाइन एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ जो भी ईवल फोर्सेस है ना, जो भी नेगेटिविटी है, उसको बांध कर वापस वहीं भेज दीजिए जहाँ से वो आई थी। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, उनके जीवन से वापस से उस गंदी नेगेटिव एनर्जीज को वहीं पटक दीजिए जहाँ से वो आई थी, ठीक है? सेंड बैक टू सेंडर इमीडिएटली। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एंसेस्टर्स, एक बार देखते हैं कि एंजल्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं आज, है ना? डिवाइन की गाइडेंस ज़रूर लेंगे हम लोग। देखते हैं क्या डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं। आपसे जलने वालों की सोच आपको पता चल चुकी है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी तरह से समय आपके पक्ष में है और आपके पक्ष में ही रहेगा जब तक आप डिवाइन गाइडेंस के अंडर में हैं, ठीक है? पर पूरी तरह से समय आपके फेवर में है और आपके फेवर में ही रहेगा जब तक आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, ठीक है? तो हमेशा डिवाइनली गाइडेड ही रहिएगा और छोटे छोटे जीव जंतुओं पर दया करते रहिएगा, ठीक है? पशु पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर दया करते रहिएगा, ठीक है? देखते हैं। ओके, काफ़ी सारी गाइडेंस आई है, ये सारी लेंगे। मैंने जो जस्ट अभी आपको गाइडेंस दी, कि पशु पक्षियों पर दया करते रहिएगा, पेड़ पौधों की सेवा करते रहिएगा, उसी से रिलेटेड है मदर गाया, मदर अर्थ, माँ पृथ्वी, उनका कार्ड आया है, ठीक है? और वो आपसे यही बात बोलना चाह रही हैं कि आप जिस प्लैनेट पर रह रहे हैं ना, उस पर दया ज़रूर करिए, ठीक है? आप अपने साथ रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं पर भी दया करिए, पशु पक्षियों पर भी दया करिए, ठीक है? और पेड़ पौधों पर भी दया करिए। बी माइंडफुल टूवर्ड्स योर प्लैनेट, है ना? अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, ठीक है? आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है नो मैटर आपको कितनी सक्सेस मिल जाए, बट आप हमेशा अपने जड़, अपनी रूट से हमेशा जुड़े रहिएगा, ठीक है? अपने आधार को कभी मत छोड़िएगा, अपने फाउंडेशन को कभी मत छोड़िएगा। आप एक प्योर हार्टेड सोल हैं, हमेशा प्योर हार्टेड सोल रहिएगा, ठीक है? कभी भी घमंड को, कभी भी प्राउड को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, ठीक है? ये आपको बताया जा रहा है। बट अपने जीवन में जो लोग, मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अब थोड़ा लोगों के प्रति थोड़ा कोल्ड बिहेवियर है ना? ज़्यादा आप इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्यार एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं हर किसी के साथ। वो इसलिए क्योंकि आपने जीवन में इतना कुछ डिफ़िकल्ट टाइम देखा है कि अब आप इमोशनली ज़्यादा किसी को भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए लोग आपको कभी कभार घमंडी समझने में गलती कर देते हैं, वो गलत फहमी होती है उनको, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान हैं और हमेशा काइंड हार्टेड ही रहिएगा, ठीक है? स्टे ग्राउंडेड। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, आपकी आत्मा को पता है कि आपका कितना ज़्यादा गहरा संबंध है स्पिरिचुअलिटी के साथ, है ना? तो आप अवेयर रहिए उस चीज से रिलेटेड, है ना? आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स।
यस, आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग पावर्स हैं, आप लोगों को हील कर सकते हैं, ठीक है। आप एक हीलर हैं, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, जिस किसी के भी साथ ये रेजोनेट होता है, आपके अंदर लोगों को हील करने की क्षमता है, ठीक है। आप लोगों को हील कर सकते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। लेकिन आप इससे पहले दूसरों को हील करें, आपको ज़रूरत है खुद की हीलिंग की। तो आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, खुद को हील करिए, क्योंकि आपके अंदर जो लाइट है ना, आपके अंदर जो हीलिंग पावर्स हैं, वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दूसरों को बेनिफिट कर सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, पहले आपको खुद रेस्ट करना है, अपनी बैटरी को रिचार्ज करना है। आपको अपनी बैटरी को रिचार्ज करने को कहा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो तभी आप दूसरों को हील कर पाएंगे, उनको एनर्जाइज कर पाएंगे। डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपको जो ठीक लगता है ना, जो उचित लगता है, वही सही है। डाउट मत लाइएगा अपने मन में कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई डाउट, कुछ शंका, इस तरह का कोई शंका मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी तरह का डाउट लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर हैं ना, वो एग्जैक्टली ईश्वर का रास्ता है, जो उन्होंने खुद आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो आप सही रास्ते पर हैं, ये आपको बताया जा रहा है। डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। या जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, वही आपको मैंने पहले ही बताया, जो डाउनलोड था, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब आप शांत बैठे हो ना, जब भी आप शांत बैठे हो, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके शत्रुओं को और ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रेडी हो रहे होते हो अपने कमबैक के लिए, ठीक है। नथिंग कैन स्टॉप यू, आपको कोई भी चैलेंजेस कभी रोक नहीं सकता, क्योंकि आप चैलेंजेस को फेस करने में आपको महारत हासिल है, ठीक है। आप विनर हो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एक विनर हो, आपके अंदर एक विनर क्वालिटी है, ओके। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आपके अंदर जो टैलेंट है ना, अगर आपके अंदर हीलिंग पावर्स हैं, तो आप उसको शेयर करिए, ठीक है। आप डांसिंग स्किल्स को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ग्रेसफुली, हाउ ग्रेसफुल डांसर यू आर, ठीक है। आपके अंदर जो भी चीज़ आपको गॉड गिफ्टेड जो भी चीज़ मिली हुई है ना, उसको शोकेस करिए, ठीक है। या उससे आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे, और काफ़ी लोग आपसे ऑलरेडी इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं, ये दिख रहा है मुझे। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी लाइफ में जो हेटर्स और एनिमीज का चलता रहता है ना ड्रामा, उनका ड्रामा उन तक ही सीमित रहने दीजिए। आप उस ड्रामा के आगे बढ़िए, ठीक है। आपको किसी भी तरह के ड्रामे को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस अपने पाथ पर होना चाहिए। ईश्वर ने आपके लिए जो रास्ता निर्धारित किया हुआ है, आप उस पर चलते रहिए, ठीक है। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है, और अपने लिए सिर्फ अच्छी एनर्जी अपने आसपास रखिए। फालतू की एनर्जीज़ को आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव हैं। मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, आपके अंदर एनर्जी सेंसिंग पावर्स हैं, आप एनर्जीज़ को सेंस कर लेते हैं, है ना। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक भी अगर नेगेटिव एनर्जी आसपास है या किसी इंसान के अंदर है, तो आप उस चीज़ को तुरंत फिगर आउट कर लेते हैं, क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं, ठीक है। आप
एक एम्पैथ हैं, आप एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को बहुत क्विकली पिक करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है, ठीक है। एनर्जी वेम्पायर्स आपको बहुत ज़्यादा यू नो अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को लीच आउट करना चाहते हैं, जैसे लीच होती है ना, खून चूस लेती है, उस तरह से एनर्जी वेम्पायर्स जो होते हैं ना, वो भी एनर्जी को चूसते हैं, दे ड्रेन योर एनर्जी। आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को अपने कॉन्टैक्ट में कम आने दें जो एनर्जी ड्रेनर्स हैं, जो एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं आपकी, है ना। सो यस, ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। एक्चुअली ये डिवाइन के जो भी कार्ड्स आए ना सारे, ये मुझे रेनबो जैसी फील दे रहे हैं, या सी पूरी रेनबो वाइब्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ठीक है, ये एंजल्स कन्वे कर रहे हैं। देखते हैं आपके लिए क्या क्या डाउनलोड्स आते हैं, डाउनलोड्स ले लेते हैं एक बार यूनिवर्स के, है ना, फिर शफल कर लेते हैं इसको। शफल करना भी बहुत डिफिकल्ट है। ओके, सो देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, है ना। ओके, यहाँ से धन के नए स्रोत। ओके, आपके लिए धन के नए स्रोत आ रहे हैं, है ना। आप पॉसिबल है कि यहाँ पे किसी की जॉब लग रही है, या कुछ नया बिजनेस शुरू हो रहा है ना, कोई सक्सेस आप देख रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया था और काफ़ी स्पीड में आपके पास सक्सेस आने वाली है। द स्टार का कार्ड आया था, ठीक है, विच इज़ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है आपके लिए, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह, कोई आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपको हर सुबह कोई याद करता है, कोई मिस कर रहा है आपको, ठीक है, आपको कोई मिस कर रहा है, शॉर्ट हेयर, किसी के शॉर्ट हेयर हैं। योर एंसेस्टर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। ओके, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है, ठीक है, आपको कोई छू नहीं सकता, आपके बारे में कोई गलत बोल नहीं सकता, वो लोग आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके पूर्वज, ठीक है, आपके लिए वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं। आपके जो पूर्वज हैं ना, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, सुपर प्रोटेक्टिव। ओके, स्प्लिट पर्सनैलिटी है किसी की, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सिंपल भी दिखता है, बहुत हम्बल दिखता है, और फिर अगले ही पल एक बहुत ज़्यादा रॉक स्टार, सुपर स्टार की वाइब में पहुँच जाता है। या डेथ स्पेल्स, ग्रेवयार्ड स्पेल्स, स्पेल वर्क, किसी के लिए कोई स्पेल वर्क्स करे गए हैं, है ना, इनमें से कोई सा भी स्पेल वर्क हो सकता है, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, काला पीला नीला गुलाबी जादू, ये हेटर्स द्वारा करे गए हैं, है ना। हो सकता है किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, स्पेसिफिकली उनको बताया जा रहा है। लव योर वॉइस, किसी को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, कोई यहाँ पे सिंगर हो सकते हैं, है ना, कोई बहुत अच्छा गाते हैं, टैलेंटेड सिंगर हैं वो, राइट तो आपकी आवाज बहुत पसंद है किसी को। हैप्पी लाइफ, आपके लिए आशीर्वाद आ रहा है एंजल्स का, डिवाइन का, एंसेस्टर्स का, ठीक है, हैप्पी लाइफ, आप अपनी लाइफ को आराम से बिता सकते हैं, आपके हेटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है, जो भी स्पेल वर्क उन लोगों ने करा है वो सब कुछ बैकफायर हुआ है। इन लॉज फैमिली,
इन-लॉज फैमिली से रिलेटेड कोई बात है यहाँ पे? आपकी इन-लॉज फैमिली, हैप्पी लाइफ इन-लॉज फैमिली, डेथ स्पेल्स, वर्क स्पेल वर्क, या ओके लॉयल मेल, कोई लॉयल मेल है यहाँ पे? आपकी लाइफ में कोई लॉयल मेल है जो आपके लिए बहुत ईमानदार है ना? या काफ़ी लॉयल है वो, तो आपको कहीं से भी उन पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, या ये हो सकता है किसी के लिए रेजोनेट हो रही हो, ये वाला मैसेज हो सकता है किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए रेजोनेट हो रहा हो। आप आत्माओं से बात कर सकते हैं, आप स्पिरिट्स से बात कर लेते हैं, ठीक है? थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड, कोई आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, या आपके कम्युनिकेशंस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है ना? या थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड, या आप में से कुछ लोग यू नो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, राइट? अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के बता नहीं पा रहे हो। यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपको कोई कह रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ओके? स्पिरिट्स आर टेलिंग मी टू टेक टू मोर, दो और लेने हैं, ओके ये वाला लेती हूँ। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड कि आप इंटेलिजेंट हैं। आपके लिए जो कन्फर्मेशन आया है ना, आप इंटेलिजेंट हैं। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया गया, यहाँ पे जितने भी मैसेजेस आए हैं ना, ये कन्फर्मेशन है ईश्वर की तरफ से आपके लिए, ओके ये वाला। स्पिरिचुअल अटैक्स, आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे हैं, है ना? जो आप ऑलरेडी ईश्वर के प्रिय हो, है ना? आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे हैं जो हेटर्स और एनिमीज हैं। हमारे कार्ड रीडिंग में भी ये दर्शा रहा था, जो एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड आया था वो यही दर्शा रहा था कि आपके जो हेटर्स और एनिमीज हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं, है ना? एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड आया था, ये उनके इंटेंशंस को दर्शा रहा था, है ना? जस्टिस रिवर्स का कार्ड आया था, इनजस्टिस को दर्शा रहा था, कुछ अन्याय की बात कर रहा था, और वही चीज़ यहाँ पर एंजल्स के डाउनलोड्स ने भी बताया है, ठीक है? कि वो लोग कुछ स्पेल वर्क में बिजी रहते हैं, कुछ टोने टोटके तंत्र मंत्र ईविल चीज़ें गंदी चीज़ें करने में बिजी रहते हैं, काला जादू नीला जादू, है ना, हरा जादू व्हाटएवर, ठीक है? तो वो जादू उन्हीं के ऊपर ही फटने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ से आपके पास से सब कुछ वापस भेज दिया गया है वहीं पर जहाँ से वो आया था, और आया कहाँ से था वो आपको पता है, राइट? एक बार फिर से उसको वापस भेज देते हैं ताकि उसको पता चल जाए, ईविल फोर्स को, जो भी नेगेटिव चीज़ है वो वापस वहीं चली जाए, ठीक है? उसको बांध कर सारे डिवाइन एंजल्स और एंसेस्टर्स, उस गंदी ईविल चीज़ को बांध कर वहीं भेज दीजिए जहाँ से वो आई थी, ठीक है? मेरे जितने भी व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जीवन से सारी नकारात्मकता को धो दीजिए, ठीक है? धोकर वहीं वापस पटक दीजिए जहाँ से वो आई हो, और उसी के सर पर पटकिए जिसने भेजी हो। सेंड बैक टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर राइट अवे, या देखते हैं क्या आप, देखते हैं आपके लिए क्या इनिशियल्स आते हैं, क्या इंडिकेशंस, क्या स्पेसिफिक कोई वर्ड ऐसा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना, या कोई ऐसा लेटर नंबर जो इनिशियली आपके लिए ज़रूरी है जानना, है ना? एम, लेटर एम, ओ
बोल के, एच ओके जीरो शून्य, तो पॉसिबल है कि आपके साथ शून्य की एनर्जी वर्क कर रही है। ठीक है, शून्य जो है ना वो भगवान शिव की एनर्जी को दर्शाता है। शून्य, शून्य के बिना कुछ नहीं है जीवन में। ये शून्य जितनी बार किसी अंक के पीछे लगता है ना तो उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती है। मैंने आपको बताया था कि जितना हम अंदर से शून्य होते हैं ना उतनी ही ज़्यादा हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो शून्य है, हो सकता है आपके साथ शून्य की एनर्जी वर्क कर रही है, आपके साथ ईश्वर की एनर्जी चलती है ना। नंबर 8 स्पेसिफिक हो सकता है यहाँ पे, 1980 किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है, मोहित किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे, बहुत ही क्लियर आया है मोहित, या ओके सी टू टू सी वाई सिया सी वाई 82 किसी का ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, 28 किसी की बर्थडे हो सकती है, या 28 एस लेटर एस, या 280 कुछ स्पेसिफिक आया है, यू सू एस यू जेड सूजी किसी का नाम हो सकता है, सूजी एस यू जेड। नंबर 7 16 25 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, जुलाई किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है, 16 जुलाई 7 जुलाई 25 जुलाई किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है ये, या बर्थडे हो सकता है, या 3 12 21 12th मार्च 21st मार्च, या 3rd दिसंबर 21st दिसंबर, है ना, ये स्पेसिफिक हो सकता है। 8 17 26 hits my hits question mark, किसी के मन में डाउट है तो डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने आप पर बिलीव करिए, या साइट हिम हिमांशु आई एम लिसनिंग हिमांशु सूट हिमांशु सूट वाई सी यू सी वाई ओ सी टी ओ सी टी ओ वाइज H&M
H&M से आ रहे हर हर महादेव। हम, आई एम लिसनिंग, हम, इट्स हम। ओके, हम, हमसे, हमसे, हमसे तो हमसे तो क्या सोम किसी का नाम हो सकता है? सोम, सोमू, सोम, है ना? हट, हट से जुड़ी हुई कोई बात है। ओके, लेट मी चैनलाइज सम नेम्स और सम इनिशियल्स मे बी। I'm listening smart, smart, hate, okay, clarity, clarity, I'm listening, clarity, most, okay, most, hi, 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 most, zuni, zuni किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे? zishan, zuni, hina, मौसी, मौसी, किसी की मौसी का मैसेज है किसी के लिए? किसी की मौसी का मैसेज है? ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज इट। एंड ये आपके लिए कहाँ पे स्पेसिफिक हैं ये नंबर्स, किसका बर्थडे आया है इसमें, किसके लिए इनिशियल्स आए हैं, ठीक है? आपको बेटर पता चल चुका होगा, आपको पता चल गया होगा, ठीक है? इसके साथ ही मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करूंगी। और कंक्लूड करने से पहले मैं बहुत सारे लोगों को थैंक्स करना चाहूंगी। आप सबको सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी। आप सबने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, इतना सारा सपोर्ट दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, ठीक है? मैं चाहूंगी कि आप सबकी ज़िंदगी में वही रिस्पेक्ट और वही प्यार, वही ब्लेसिंग्स, वही अबंडेंस, ठीक है, डबल अप, ट्रिपल अप होकर आपके ऊपर बरसे, ठीक है? और आपको ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, वेल्थ, सब कुछ मिले, ठीक है? सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी जिस किसी ने भी अपने इस चैनल को डोनेशंस दिए, सुपर थैंक्स दिया, ठीक है फ्रेंड्स? सुपर थैंक्स एक डोनेशन है जो कि अपने प्रिय चैनल को दिया जाता है और उससे आपके उस चैनल को अपलिफ्ट होने में हेल्प मिलती है, ठीक है? एंड पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? जिस किसी ने भी अपने इस चैनल को डोनेशंस भेजे हैं, ठीक है, मैं उन सब के लिए एनर्जी वापस से रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी और उन सबको ये ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी डोनेशंस अपने इस चैनल को दिया है वो डोनेशन 100 times मल्टीप्लाई हो करके उनके पास भी पहुँचे, ठीक है? ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए। सो उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: डोलोन बैनर्जी, थैंक यू सो मच, ब्रिजेश घोष, थैंक यू, संजय सुबुद्धि जी, थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन, कल्याण सुंदरम, थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू, चंद्र प्रहलाद सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, योगेश माथुर,
Thank you. Thanks a lot. Let art work studio. Thank you. Thanks a lot. Kusum Joshi. Thank you once again. Self love 7777. Thank you so much once again. Thank you. और मैं यही ब्लेसिंग्स आपको दूंगी कि आप सब ने जो भी डोनेशन अमाउंट अपने इस चैनल को दिया है, ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप तक पहुँचे और आपके ऊपर भी इसी तरह से वेल्थ बरसे, अबंडेंस बरसे और आप सब बहुत ही ब्लेस्ड रहें. ठीक है, थैंक यू सो मच. सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. मिलती हूँ मैं अगली रीडिंग में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.